तानसेन कौन था, आवाज में कौन सा जादू था कि आग लग जाती थी। तानसेन संगीत सम्राट था, इसके जैसा सुर और ले आज तक बर्रे सगीर में कोई नहीं लगा सका है। तुज्क जहांगीर में लिखा है कि एक दिन अकबर बादशाह ने तानसेन से कहा कि आज ऐसा सुर लगाओ कि आग लग जाए। तानसेन दो जानमाए तलमिज हुआ और इजाजत तलब की, हुजूर चराग बुझा दिए जाएं, कपड़े के पर्दे बिछे हुए चरागों से दूर कर दिए जाएं, पानी के बड़े बड़े डोले मंगवा लिए जाएं। अकबर हैरान रह गया, तानसेन आज क्या गाने जा रहा है। चंद ही लम्हों बाद जब सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए, तानसेन नगार खाने में बैठे और राग मल्हारी को गाना शुरू कर दिया। राग मल्हारी के बारे में कहा जाता है सरसूती ने अंदर के लिए गाया था। तानसेन ने राग मल्हारी को जब ऊंचे सरों में लगाना शुरू किया तो खिड़कियां जोर से बजने लगी। अकबर बादशाह के सीने में तपश महसूस होने लगी और चंद ही सानियों बाद बुझाए गए चराग बगैर आग लगाए खुद ही जलने लगे। तानसेन राग मल्हारी गाते गाते बेहोश हो गए थे। कौन था सुरों का ये सम्राट तानसेन? कहां से आया था तानसेन? हिंदू था या मुस्लिम था? कहां से सीखा था सुरों से आग लगाना तानसेन ने? कौन से सुर हैं जो तानसेन ने इजाद की थी और आज भी बॉलीवुड में इस्तेमाल हो रही हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नाज़रीन, तानसेन अजीम मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नौ रत्नों यानी सबसे ताकतवर नौ वजीरों में से एक थे। तानसेन अकबर के दरबार में मौसीकी गाते थे और इन जैसी मौसीकी आज तक कोई नहीं गा सका है। तानसेन की पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के तारीखी शहर ग्वालियर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर ग्राम बहट नामी शहर में शहरी मरकज पांडे के यहाँ पैदा हुए थे। इनकी तारीखी पैदाइश 1486 ईस्वी थी। कहते हैं शहरी मरकंद पांडे के यहाँ कई बच्चों की विलादत हुई लेकिन कहत साजी की वजह से वो जिंदा नहीं रह पाए थे। इससे मायूस होकर मरकंड पांडे ने एक सूफी मोहम्मद गौस की पनाह में गए और उनसे औलाद के लिए दुआ करवाई, जिसके बाद तानसेन पैदा हुए और वो जिंदा बच पाए थे। तानसेन के बचपन के बारे में कहा जाता है कि उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि वो जंगल में जाते और हर जानवर की बोली निकाल सकते थे। वो अक्सर जंगली शेरों की आवाजें निकालते और जानवरों को डराते थे। तानसेन ने मौसीकी का इल्म हासिल करने में पूरे 12 साल लगाए थे। उन्होंने मौसीकी की तालीम मध्य प्रदेश में एक अजीम मौसीकार स्वामी हरिदास से हासिल की थी, जिन्होंने ही इनको तानसेन का खिताब दिया था। तानसेन को बचपन से ही सूफी गौस मोहम्मद ने अपनी तरबियत में रखा था। 1532 तक तानसेन सूफी गौस मोहम्मद के दरबार में गाते रहे और इसके आसपास के इलाकों में खूब शोहरत पाते गए। 1532 में आप सूफी गौस मोहम्मद के साथ गुजरात रवाना हो गए, जहां के राजा ने भी आपसे गीत सुनने की फरमाइश कर दी थी। इस दरबार में एक मगनिया थी जो राग मल्हारी इंतहाई शानदार गाती थी, मगर जब तानसेन ने राग मल्हार गाना शुरू कर दिया तो तूफानी बारिश शुरू हो गई। राजा ने तानसेन को दरबारी गोया बनने की भी पेशकश दी, जिसे तानसेन ने मुस्तरद कर दिया था। फिर तानसेन ग्वालियर वापस चले आए। कहते हैं यहाँ के जंगल में इनका मुकाबला एक हिजू नामी गवैये से हुआ, जो इतना सुरीला गाता था कि सारे हिरन जमा हो जाते और इसको सुनते। हिजू ने जब अवसारी रागनी नामी सुर गाना शुरू कर दिया तो सारे हिरन जमा हो गए। हिजू ने अपना सोने का हार एक हिरन के गले में डाल दिया और जब गाना खत्म हुआ तो सारे हिरन भागे। फिर हिजू ने तानसेन को चैलेंज किया कि वो ये हार वापस मंगवाए। तानसेन ने मयान की टोड़ी नामी राग अलापा तो सारे हिरन बमा हार के वापस मुड़ आए, जिस पर हिजू भी तानसेन का शागिर्द बन गया। 1545 में तानसेन शेरशाह सूरी के बेटे दौलत खान के दरबारे मगनिया बन गए
इसके इख्तदार के खत्म हो जाने के बाद आप एक छोटी सी रियासत के राजा रामचंद्र के पास दरबारी मुलाजिम बन गए। मास अरसे में दिल्ली के तख्त पर अकबर बादशाह बैठ चुका था और तानसेन की गायकी का डंका आधे हिंदुस्तान में बजने लगा था। अकबर बादशाह को तो शदीद ख्वाहिश थी कि वो तानसेन को यूं जल्द ही तानसेन अकबर के दरबारी संगीतकार बन गए। अकबर बादशाह ने जब तानसेन से कहा कि वो दीपक राग गाए, तो जब तानसेन ने राग मल्हारी गाया तो पूरे दरबार के बुझे हुए दिए बगैर आग के भड़क उठे। इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि ऐन मुमकिन था कि थोड़ी देर बाद शाही महल में आग लग जाए। तानसेन को रोक दिया गया। बादशाह अकबर के दरबार में हर वक्त 9 लोग अपनी मुमताज खसूसियात की वजह बड़े मशहूर हुआ करते थे, जिन्हें नॉर्थन कहा जाता था, और तानसेन को इन 9 अफराद में शामिल कर लिया गया। तानसेन की वफात 1599 में हुई। मरने के बाद तानसेन को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हजरत सूफी गौस मोहम्मद की कब्र के पहलू में ग्वालियर में दफनाया गया, जो आज भी मौजूद है। तानसेन ने मौसीकी की दुनिया में कई नए राग ईजाद किए हैं जो आज भी बॉलीवुड की फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे दरबारी राग, भेरू राग, मल्हा राग, दरबारी कनाडा, सारंग और राजेश्वरी राग और मशहूर धरपद राग। बॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग्स जैसे हर सू रे हर सू, रिम जिम, प्यार का मौसम, मोरे बचपन के साथी, बिना पंख पंची हो में वगैरह तानसेन की धुनों पर गाए गए हैं। मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।